लैब सोल ट्रेनिंग के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली सभी सीसी और डीसी यूजर्स के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हमें सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं। सीसी और डीसी जो भी यूजर्स हैं उनका सिर्फ दो स्टेप में काम रहेगा। पहला स्टेप ये रहेगा, उन्हें पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट बुक करना है, और दूसरा स्टेप सैंपल को कलेक्ट करके सैंपल को डिस्पैच करना है। ये दोनों स्टेप जब कंप्लीट होंगे उसके बाद सैंपल प्रोसेस हो पाएगा। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें किसी भी पेशेंट का बुकिंग करने के लिए और सैंपल कलेक्ट करने के लिए दो स्टेप फॉलो करने हैं। अगर मैं सीसी हूं या डीसी हूं, कोई कलेक्शन सेंटर हो, तो मुझे सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है और उसका टेस्ट बुक करना है। दूसरा स्टेप है पेशेंट का सैंपल को कलेक्ट करके उसको बैच बना के डिस्पैच कर देना है लैब के लिए। तो अब आइए ये दोनों स्टेप करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पेशेंट मैनेजमेंट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक कुछ ऑप्शन ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको बुकिंग का दिखाई देगा। आप बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ बुकिंग की विंडो दिखने लगेगी, जहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। इनको मैं डिटेल में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी हम आते हैं सीधे पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ राइट साइड पे आप देखेंगे आपको बुकिंग का एक बटन दिख रहा होगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ रजिस्टर पेशेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। और दूसरा बटन आपको गेट एस्टिमेट का है। अगर किसी पेशेंट को एस्टिमेट देना हो कुछ टेस्ट का, तो इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रजिस्टर पेशेंट पे आएंगे तो पेशेंट के रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले रजिस्टर पेशेंट पे चलते हैं। अब जैसे ही मैंने रजिस्टर पेशेंट पे क्लिक किया, मेरे पास पेशेंट रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन होकर के आ गया। अब यहाँ पे आपको एक बिलिंग कोड दिखाई दे रहा होगा। बिलिंग कोड पे आप जाएंगे, कुछ ऑप्शन दिखेंगे कि अगर आप ये कैंप के अगेंस्ट में कोई बिलिंग कर रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लाइंट सेट कर सकते हैं, जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट आपका मैप होगा। इसी तरीके से अगर डीसी अंडर सीसी है या एल कोड है या वॉकिन है, तो मैं भी वॉकिन के लिए सेलेक्ट करता हूँ। मैंने बिलिंग कोड वॉकिन सेलेक्ट कर लिया। पेशेंट मेरे पास डायरेक्ट चल के आया है, मैं एक सीसी ओनर हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च बाय पीआईडी एनडीएचएमआईडी कॉन्टेक्ट नंबर। अगर पेशेंट आपके पास पहले आ चुका है और उसका रिकॉर्ड आपके पास है, तो आप मोबाइल नंबर से या उसकी पीआईडी से उसकी डिटेल को फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दे सकता हूँ कि मैंने एक पेशेंट का मोबाइल नंबर डाला और उस मोबाइल नंबर पे जो पेशेंट रजिस्टर थे उनकी लिस्ट ओपन होकर आ गई। मैं यहाँ से उस पेशेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने पेशेंट को सिलेक्ट किया तो जो भी पेशेंट की डिटेल थी वो ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ गई। तो आइए हम एक फ्रेश बिलिंग करते हैं। मैं यहाँ से वॉकिन सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेशेंट की डिटेल को फिल कर लेता हूँ। ये मैंने पेशेंट का नाम डाल दिया। राजकुमार, एज ले लेता हूँ मैं 57 ईयर। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। यहाँ पे पेशेंट का आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप डाल देंगे। जैसे ही आप पेशेंट इसका बिलिंग करेंगे, पेशेंट को एक मैसेज चला जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे आप पेशेंट का ईमेल आईडी डाल देंगे। पेशेंट की रिपोर्ट्स पार्शियल जनरेट होगी या फुल जनरेट होगी, जैसे भी जनरेट होती जाएगी पेशेंट को मेल चली जाएगी। यहाँ पे आप पेशेंट के एड्रेस को फिल कर सकते हैं अगर आपको इंसर्ट करना है। लास्ट में आएंगे, आपको यहाँ रेफरिंग डॉक्टर का दिखाई ऑप्शन दिखेगा। अगर पेशेंट को किसी डॉक्टर ने रेफर किया है और वो डालना है, तो आप डॉक्टर नेम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ डॉक्टर दिखाई देंगे। बट अगर पेशेंट वॉकिन है तो आप सीधे सेल्फ रेफरेंस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर
कोई रेफरिंग डॉक्टर है जो यहाँ लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है तो उस केस में आप ऐड न्यू रेफरिंग डॉक्टर पे आ जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पे हम डॉक्टर की डिटेल को फिल कर देंगे और से ऐड कर देंगे तो हमारा रेफरिंग डॉक्टर ऐड हो जाएगा। अभी मैं इसको सेल्फ रेफरेंस पे कर रहा हूँ, वॉक इन पेशेंट है ये, मैंने अब सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब मैंने पहला स्टेप क्या किया, यहाँ पे पेशेंट का इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया। दूसरा टेस्ट बुक कर लेंगे, टेस्ट का नाम या टेस्ट कोड डाल के टेस्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे ही मैंने CBC डाला तो ये सर्च होकर के आ गया। मैं यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा मैं क्रिएटिनिन डाल लेता हूँ, तो ये क्रिएटिनिन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सपोज पेशेंट को यही दो टेस्ट कराना है तो मैंने टेस्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ बुक नाउ पे, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं सीधे बिलिंग पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मेरे सारे टेस्ट और उनकी MRP डिस्प्ले होने लगेगी और टोटल अमाउंट जो भी है वो डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पे मैं पेमेंट मोड पे आऊँगा और जो भी पेमेंट का मोड होगा, कैश में है, पेटीएम पे है, QR है, वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैं भी कैश पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल अमाउंट मेरा 510 हुआ है, मैं वो यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाएगी। आप प्रिंट रिसिप्ट पे जाएंगे और पेशेंट को रिसिप्ट प्रिंट करके दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अगली विंडो हमारी सैंपल कलेक्शन की आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसकी बिलिंग कर ली। दूसरा स्टेप सैंपल को कलेक्ट करना है और बैच बना के डिस्पैच कर देना है। तो अब आते हैं, हम सैंपल टाइप पे सेलेक्ट कर लेंगे, सैंपल का एक बारकोड डाल देंगे जो बारकोड आपके पास पहले से होगा। ये मैंने बारकोड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप मार्क सैंपल कलेक्टेड पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे सैंपल को कलेक्ट कर लेता हूँ जो CBC के लिए है और इसका भी एक बार कोड डाल देता हूँ और सेम मार्क सैंपल कलेक्टेड बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर इंटरेस्ट के साथ किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे आके सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इसको सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। तो मैंने पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसकी बिलिंग कर ली और सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको पेशेंट की डिटेल शो होने लगेगी। ये मेरा पेशेंट था राजकुमार, इसकी VID जनरेट हो गई है। यहाँ से आप सैंपल कलेक्टेड स्टेटस दिखने लगेगा कि हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। अब मैंने बताया था सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमको सैंपल को डिस्पैच करना है। यहाँ पे कुछ यूजर से गलती हो जाती है कि वो सैंपल को यहीं पे कलेक्ट करके छोड़ देते हैं और फिजिकल सैंपल को लैब पे भेज देते हैं, कुरियर कर देते हैं। बट हमें ये गलती नहीं करनी है, अभी हमारा काम अधूरा है। मैंने आपको बताया था सैंपल कलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको डिस्पैच करेंगे। तो डिस्पैच करने के लिए हम यहाँ बैच बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको राइट साइड में क्रिएट बैच का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको बैच क्रिएशन का फॉर्म ओपन होकर के आ गया। तो सबसे पहले हम जो बैच बनाएंगे उस बैच का एक बार कोड डाल देंगे। तो मैं यहाँ एक बार कोड नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च बार कोड, यानी कि हमने जो जो सैंपल कलेक्ट किया हुआ है उनका जो बार कोड है उसको स्कैन कर लेंगे जो भी हमें डिस्पैच करना है। मैंने पहला सैंपल कलेक्ट किया था, इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपने दोनों सैंपल को कलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ आपको कि जरूरी नहीं है कि आपको हर सैंप
पेशेंट के सैंपल के लिए हर बार एक अलग बैच बनाना पड़े। अब सपोज आप सीसी हैं तो हर सैंपल कलेक्ट करने के बाद तो आप लैब को भेजते नहीं हैं, तो आप जो भी सैंपल भेजते हैं एक टाइम शेड्यूल पे भेजते हैं कि सुबह के सैंपल को दोपहर में भेजते हैं, दोपहर के बाद के जो सैंपल होते हैं शाम को भेजते हैं। उस केस में क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपके पास सैंपल रहे होंगे आप उनको कलेक्ट कर लीजिए, और जब आपको सैंपल को सारे सैंपल को एक साथ भेजना हो तब आप बैच पे आ जाइए और एक बैच बारकोड डाल दीजिए। जितने भी पेशेंट के सैंपल हैं वो आप यहाँ पे स्कैन कर लीजिए। यहाँ पे आप सिंगल पेशेंट से लेकर मल्टीपल पेशेंट तक का सारे सैंपल एक ही बैच में बना सकते हैं। मैंने बैच के लिए सारे सैंपल स्कैन कर लिए हैं। अब मैं बैच रेडी फॉर लॉजिस्टिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ बैच वाइज पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बारकोड स्कैनिंग अपनी बैच वाइज रहेगी, लॉजिस्टिक में इंटरनल रहेगी तो इंटरनल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव एंड एग्जिट किया अब यहाँ पे आपको रेडी फॉर लॉजिस्टिक डिस्प्ले होने लगा। अब यहाँ पे मैं व्यू से देख सकता हूँ कि मैंने कौन कौन से सैंपल को डिस्पैच में डाला हुआ है। यहाँ पे जाएंगे और डिस्पैच बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैंने ये डिस्पैच किया अब मेरा यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली हमको दो स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले बुकिंग विंडो पे जाना है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी बिलिंग करनी है और सैंपल को कलेक्ट कर लेना है। फिर हम बैच बटन पे आएंगे, बैच को क्रिएट करेंगे, बैच नंबर डालेंगे और जो भी सैंपल का बारकोड होगा उसको स्कैन करके सेव एंड एग्जिट कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे हमें रेडी फॉर लॉजिस्टिक डिस्प्ले होने लगेगा। फिर एक्शन बटन पे जाके हम डिस्पैच कर देंगे। अब आपको यहाँ पे डिस्पैच का स्टेटस दिखने लगा कि आपने जो बैच था आपका बनाया था उसको भेज दिया है। अब जैसे ही ये बैच लैब पे रिसीव होगा तो यहाँ डिलीवर टू लैब आपको दिखने लगेगा। तो बेसिकली ये किसी भी पेशेंट के रजिस्ट्रेशन से सैंपल को डिस्पैच करने तक का प्रोसेस था। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शंस हैं मैं इनकी एक अलग वीडियो बना के आप सभी लोगों को भेज दूंगा। थैंक यू।